तो और भाई लोग कैसे आप लोग, आई थिंक आप सभी लोग दोस्तों बड़े ही होंगे। दोस्तों आपको भी पता है माइनक्राफ्ट जो वर्ल्ड है वो बहुत ही बड़ा है। माइनक्राफ्ट के बारे में आपको 100% बिल्कुल ही नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ ये फैक्ट्स। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं उसको भी जरूर से जाकर देखना, उसमें मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स बताए हैं। और सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चले जाते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या दोस्तों आपको पता है जो स्वीडन में जो स्कूल्स हैं उनमें माइनक्राफ्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट है 13 ईयर ओल्ड के बच्चों के लिए। उनका मानना ये है कि इस गेम से खेलने उनको हम ये पढ़ा सकते हैं कि कैसे आप सिटी प्लांटेशन कर सकते हो, अगर आप एक आर्किटेक्चर वगैरह कुछ बनते हो ना उसमें आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए वहाँ के स्कूल में माइनक्राफ्ट खेलने को मिल जाता है। अगर हम माइनक्राफ्ट हमारे देश में भी आ जाते हैं ना तो स्कूल जाना तो बहुत मजेदार हो जाएगा। फैक्ट नंबर टू, क्या दोस्तों आपको पता है जो एंडरमैन लैंग्वेज बोलता है वो कौन सी लैंग्वेज है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो एंडरमैन लैंग्वेज बोलता है बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही पीछे से आगे बोलता है, जैसे कोई एक वर्ड है उसको ये उल्टा करके बोलेगा। वैसे ही अगर हम देखें कभी कभी एंडरमैन ये भी ये YEP वाला ये बोलता हुआ सुनाई भी दे सकता है आपको। तो दोस्तों आपके लिए मैंने ढूंढी है ये क्लिप्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंडरमैन की लैंग्वेज कौन सी है। Hello. This next one is really clear. What's up? And look for the eye. Which presumably is referencing eyes of Ender. और आपको क्या लगता है दोस्तों वो कौन सी लैंग्वेज बोलता होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर थ्री, क्या दोस्तों आपको पता है दो बंदों ने सेमियन और थॉर्बजॉन दो बंदों ने पूरा का पूरा डेनमार्क जो कंट्री है उसको माइनक्राफ्ट में बना दिया था। तो उनका ये एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप ही कह सकते हो भाई, तुम खुद सोचो पूरा का पूरा एक उन्होंने कंट्री ही इस गेम में बना दिया है। तो वहां पर जाकर आपको डेनमार्क घूमने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं मेरे हिसाब से, आप सीधा ही इनका मैप डाउनलोड करो और खेलते जाओ और एक्सप्लोर करते जाओ। फैक्ट नंबर फोर, क्या दोस्तों आपको पता है जो माइनक्राफ्ट है उसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में 200 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक जो कॉपीज सोल्ड हुई हैं उनका ये एक आंकड़ा है, लेकिन आप सोचो आप में से मुझको पता है 90% बंदे पायरेट कर खेलते हैं, मतलब खरीदते नहीं है वो सिर्फ फ्री में डाउनलोड कर खेलते हैं, इसलिए तो आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे। अभी तो सिर्फ 200 मिलियन कॉपीज जेन्युइनली बिकी हैं, तो असल में कितने ज्यादा लोग खेलते होंगे। फैक्ट नंबर फाइव, क्या दोस्तों आपको पता है एवरी मंथ 126 मिलियन पीपल्स रोज माइनक्राफ्ट खेलते हैं, मैं रोज नहीं मतलब हर मंथ इतने बंदे माइनक्राफ्ट को खेलते हैं एक्चुअली में। अगर ये तो सिर्फ आंकड़े सिर्फ ऑनलाइन बंदों के हैं, अगर आप देखोगे कि ऑफलाइन भी कितने खेलते हैं तो आप सोच सकते हो कि माइनक्राफ्ट कितनी पॉपुलर है गेमिंग कम्युनिटी में। तो बस दोस्तों आज के इफेक्ट यहीं पर ही समाप्त होते हैं, बस आज के इतने ही फैक्ट मैं लेकर आया हूं। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि और भी फैक्ट की वीडियो बनाओ, भाई यार मैं तैयार बैठा हूं वीडियो बनाने के लिए, आप कहो तो सही मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा हूं, बस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कैसी वीडियो लगी आपको। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना, मैं इस तरह की वीडियोस आगे लेकर आऊंगा। दोस्तों अभी मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।